मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ द स्टोरी। वंस देयर वाज अ लिटिल विलेज नियर अ जंगल। ऑल द विलेज काउज वेंट टू द जंगल टू ईट फ्रेश एंड जूसी grass, but there was a old wicked lion who used to kill the cows every day one. Now the cows out of fear stopped going to jungle, so they didn't get grass to eat. And they could not able to give enough milk to the farmers. One day, what happened? They held a meeting. In the meeting, a wise old cow told all the cows that they went to the jungle alone, so the lion killed them. If they went to the jungle unitedly or together, the lion could not be able to kill them. So the next day, all the cows went to the jungle together. And when the lion see that all the cows are coming, he was very much happy that he can eat the fattest cow now. Then as soon as he went near the fattest cow to and ready to bounce, then what happened? You know, all the cows started more together and come towards him, and the lion got frightened and he ran away from there. And from then nobody disturbed the cows, and they go to the jungle every day and eat grass daily. Now from this chapter or this lesson, we come to know that united we stand and divided we fall. That means when we fight together with the enemy, we can defeat the enemy. But if you fight separately with the enemy, then enemy can defeat us. Is ek samay ki baat hai, ek बड़ा सा जंगल किनारे एक छोटे से गांव हुआ करते थे, और उस गांव की जितनी भी गायें थी वो जंगल में जाते थे हरे हरे और ताजे घास खाने के लिए। पर उस जंगल में एक बूढ़ा और शैतान शेर रहता था। वो हर रोज कोई ना कोई गाय को खा जाता था, और डर के मारे गायें जंगल जाना बंद कर दिया, और इसी वजह से उन्हें घास खाने को नहीं मिल रहे थे, और वो बढ़िया दूध भी नहीं दे पा रहा था किसानों को। फिर उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया, मीटिंग में एक सभा बुलाया, और सभा में एक बूढ़े और ज्ञानी गाय था। उसने ये बोला कि तुम लोग सब जंगल एक एक करके जाते हो, इसलिए तुम्हें लायन खा जाता है, शेर खा जाता है। अगर तुम लोग साथ में जाया करोगे तो शेर तुम्हें नहीं खाएंगे। फिर दूसरे दिन सारी गायें एक साथ जंगल गए, और जैसे ही और शेर ने क्या करा, जब देखा अरे भैया इतनी सॉरी जब शेर गाय आ गए खाने के लिए, मतलब अभी उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो सबसे मोटा वाला गाय को खाएंगे। जैसे वो मोटे वाले गाय के पास गए, सॉरी गाय एक साथ चिल्लाने लगे और उसके पास आने लगे, और ये देखते ही शेर डर गया और डर के मारे वहां से भाग गया। और उसके बाद गायों को कोई तंग नहीं करता, वो रोज जाते थे जंगल और घास खाते थे। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम साथ में रहें तो हमें कोई नुकसान नहीं कर सकते, हम अलग अलग रहेंगे तो सब हमें नुकसान कर सकते। दैट मीन्स एकता में ही बल है।